तो आप लोगों के साथ मैं बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ। और अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो वो था कश्मीर का, मतलब कि श्रीनगर का जो संडे मार्केट है उसका वीडियो मैंने डाला था। तो वो देख के आई होप आप लोगों को समझ ही आ गया होगा कि हम लोग गए थे ट्रिप पर। तो दिल्ली पहले मैंने सरोजिनी मार्केट वाला एक ब्लॉग डाला था, उसके बाद फिर हम गए थे कश्मीर। और तो हमारा बहुत लंबा ट्रिप था, तो अभी हम आए हैं घर वापस। और फिलहाल आप लोगों को पता है कैसी सिचुएशन चल रही है, अभी कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हर जगह लॉकडाउन वगैरह चल रहा है वीकेंड पे। तो इसी वजह से अभी हम कोई मार्केट वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि नहीं जा पा रहे हैं वीकेंड में कहीं बाहर किसी मार्केट में। तो इसीलिए ब्लॉग्स थोड़े कम आ रहे हैं, मतलब वीडियोज़ कम आ रहे हैं। बट डोंट वरी, थोड़े दिन बाद थोड़ा सा जब माहौल थोड़ा ठीक हो जाएगा, सब कुछ अंडर कंट्रोल में आ जाएगा, तो फिर से हम स्टार्ट कर देंगे हमारे जो मार्केट वीडियोस हैं जो आप लोग पसंद करते हैं, तो वही हम दोबारा स्टार्ट कर देंगे। और आप लोगों की कुछ मतलब की डिमांड्स भी है कि इस जगह पे वीडियो बनाएं, तो वो भी हम करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल मैं जो आज आप लोगों के साथ शेयर करी वो है कि मैं कश्मीर जो गई थी, तो कश्मीर से मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से वो भी थोड़ा शेयर कर दूं कि यहाँ से मैंने क्या लिया था वहाँ पे, और कैसा क्या है वहाँ पे, क्या क्या मिलता है। तो मैं गई थी विंटर में, एज यू नो, तो विंटर की चीज़ें ही अभी ज़्यादा अवेलेबल हैं वहाँ पे। तो मैंने वहाँ से क्या क्या लिया है तो वो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। और प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल के साथ प्लीज़ जुड़े रहिए, हमारा साथ मत छोड़िए। और जिन्होंने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आई होप आगे भी अच्छे अच्छे जो मार्केट वीडियो, शॉपिंग वीडियोज हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या क्या लिया है। तो फर्स्ट मैं दिखाती हूँ जो मतलब वहाँ का जो गर्म कपड़े का जो पीस होता है, सूट पीस, वो मैंने लिया है। ये देखिए कितना प्यारा काम है इसके ऊपर। वहाँ का यही खासियत है, वहाँ का जो ये थ्रेड वर्क होता है, कुछ अलग सा ही नाम है उसका, मेरे को याद नहीं आ रहा फिलहाल। तो वो वर्क इसमें है, तो काफ़ी अच्छा वर्क है इसमें और बारीक वर्क है। और ये पूरा पीस है इसमें, सूट और इसका जो पैंट है पूरे का सेम एक ही उसमें थान में ही पूरा कपड़ा है। तो ये देखिए ये बीच बीच में ये इस तरह के वो डिज़ाइन बना हुआ है और पूरा कपड़ा ऐसा ही है। और इसी में कुर्ता और जो पैंट है उसका कपड़ा इसमें एक साथ ही है, अलग अलग नहीं है, एक साथ ही। तो ये मैंने एक लिया है और ये नियर अबाउट उन्होंने बोला था 700-800 का ये बोला था पीस, तो हमने थोड़ी सी बार्गेनिंग कर ली और थोड़ी सी बार्गेनिंग करके थोड़ा कम हो गया हमारा। और ये मैंने लिया है पहलगाँव से, तो पहलगाम में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, हर जगह आपको थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे टूरिस्ट को देख के थोड़ा सा वो लोग कॉस्ट ज़्यादा बताते हैं। तो हम लोग को, आप लोग अगर बार्गेनिंग की लच्छी हो तो फिर आप लोग थोड़ा कम भी, मतलब कम में भी मिल जाएगा आपको। तो ये मैंने दो लिए हैं इस तरह के, एक ये वाला है ऑरेंज कलर का और एक ये लिया है मैंने ऑलिव ग्रीन कलर का। इसका भी वर्क काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। और इसमें भी पूरे में इस तरीके का वर्क, दूर दूर में एक ऐसा ऐसा थ्रेड वर्क किया हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो ये भी उसी प्राइस में मिला है हमें। तो ये मैंने दो सूट पीस लिए थे और एक मैंने ये लिया है नाइटी, और ये भी गर्म कपड़े की नाइटी है, आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी मिलती है वहाँ पे, दिल्ली में बोलो या कश्मीर में बोलो, तो वहाँ तो ठंड बहुत पड़ती है आप लोगों को पता है। तो इस तरीके की नाइटी मैंने एक ली है, तो ये काफ़ी गर्म है, पूरी जैसे लग रहा है ब्लैंकेट जैसी है, तो ब्लैंकेट का नाइटी है ये, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो इसका प्राइस भी 500 समथिंग का ये पड़ा है, ये बहुत बहुत गर्म है ये नाइटी भी। तो ये मैंने लिया है। और ये एक छोटा सा मैंने ये लिया है, ये जो ये है मफलर, आप इस तरह से मफलर डाल सकते हैं, गले में पहन सकते हैं, साथ में आप अपना नोज भी बंद कर सकते हैं इसको ऊपर चढ़ा के। तो ये वहाँ के लिए बहुत ही ज़रूरी था, तो ये हमने 3-4 ऐसे ले लिए क्योंकि ये 100 रुपीज़ में मिल रहा था वहाँ पे। और इसको आप ऐसे टोपी भी बना सकते हैं, तो इस तरह से अगर आप इसको इस तरह से कर दें तो ये ऊपर से ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा,
और इसको बांध रहे हैं यहाँ पे, और इस तरह से आप टोपी बना के भी इसको पहन सकते हैं, या फिर गले में एज अ मफलर आप इसे यूज कर सकते हैं। ये मास्क का भी काम कर देता है, तो ये बहुत ही अच्छा एक जरूरी चीज थी वहां पे, जो बहुत जरूरी मतलब फील हो रहा था कि ऐसी एक चीज हो तो अच्छा है। तो हमने वहाँ देखा कि सब लोग इस तरह का यूज कर रहे हैं, तो हमने भी ले लिया, और ये बहुत रीजनेबल प्राइस में भी था, तो इसलिए 2-3 ले लिए थे हमने। तो ये हो गया, और एक मैंने लिया है पोंचो, तो ये है एक पोंचो, ये भी काफी अच्छा लगा मेरे को। तो कुछ मैंने अपने लिए लिए हैं, कुछ गिफ्ट्स के लिए लिए हैं, तो ये भी देखिए बहुत ही अच्छा है ये भी। तो इसका भी प्राइस नियर अबाउट 500 समथिंग ऐसा पड़ा है। तो ये एक ये लिया है, और दो कुर्ती लिए हैं, उसमें से एक है ये। ये मैंने समर के लिए लिया है अपने लिए, क्योंकि मैं बैंगलोर में रहती हूँ, आप लोगों को पता है, और बैंगलोर में ठंड नहीं पड़ती है, तो इसलिए मैंने ये समर जो नॉर्मल कॉटन वाली कुर्ती है वो लिया है। बट इसमें जो कश्मीरी वर्क किया हुआ है, ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा और बारीक कश्मीरी वर्क है इसके ऊपर, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और वहाँ गए हैं तो वहाँ का थोड़ा सा कुछ तो लेना बनता है जो मतलब कश्मीर का फील दे आपको आने के बाद, तो इसलिए मैंने ये लिया है। और साइड में भी इसके ऐसी एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, तो साइज थोड़ा वहाँ पे आपको, अगर आप लोग वहाँ जाते हैं तो अगर आप लोग लेते हैं, थोड़ा सा साइज का वहाँ इशू है, आपको एक्यूरेट साइज नहीं मिलेगा, आप आके थोड़ा आपको ऑर्डर वगैरह करना पड़ेगा। तो जैसे ये भी साइज बहुत बड़ा है, तो इसे भी ऑर्डर करना पड़ेगा। और ये लिया है मैंने श्रीनगर से, और इसका भी ना सारी चीज़ें जो मैं दिखा रही हूँ नियर अबाउट 500 अबव की ही सारी चीज़ें हैं। और साथ में ये वाली जो कुर्ती मैंने पहनी हुई है, ये वाला भी लिया है, ये भी बिल्कुल वैसा ही वर्क है इसके ऊपर। थोड़ा सा मैं उठ के दिखाती हूँ आपको, ये यहाँ पे भी वर्क किया हुआ है, ये देखिए। और ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट कुर्ती है जीन्स वगैरह के साथ पहनने के लिए, वो लॉन्ग थी और ये शॉर्ट है। तो ये दोनों मैंने अपने लिए लिए हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं। ये बिल्कुल गर्म नहीं है, ये बिल्कुल कॉटन के ऊपर है, तो हाथ में भी यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और ये कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये दोनों मैंने अपने लिए लिए हैं, और अब आते हैं मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी के लिए। तो ये दो जैकेट हमने लिया है वहाँ से, ये प्योर लेदर का जैकेट है वहाँ पे, तो वहाँ जो लेदर के जैकेट है ना, बहुत रीजनेबल प्राइस में आप लोगों को मिल जाएंगे। और ये प्योर लेदर है, उन्होंने वैसे लाइटर से आग लगा के भी दिखाया उन्होंने कि ये बर्न नहीं होता है, तो चेक करके दिखाया उन्होंने। और ये 2000 के ऊपर इसका प्राइस उन्होंने बताया था, बट बार्गेनिंग करने के बाद हमें ये 1500 समथिंग में पड़ गया, मिल गया हमको, तो अच्छी डील मिल गई हमको। लेदर जैकेट, ये ब्लैक कलर का लेदर जैकेट है, तो ये है मेरे बेटे का, और ये है मेरे हस्बैंड का। तो ये है, उनको थोड़ा कलरफुल हर चीज़ पसंद होती है, उनको ब्लंट कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उन्होंने ये रेड कलर का लिया है, रेड नहीं, मरून बोल सकते हैं इसको, तो मरून कलर का ये है। तो इसका भी प्राइस वैसे ही है 1500 समथिंग। तो इस तरीके के जैकेट आपको बहुत अच्छे प्राइस में वहाँ पे मिल जाएंगे, लेदर जैकेट, तो अगर आप चाहते हैं तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। वैसे जो जो भी चीज़ मैंने दिखाई है सभी अमेज़न पे आपको मिल जाएंगी, हाँ थोड़ा रेट आपको ज़्यादा लग जाएगा अमेज़न पे, बट अगर आप चाहते हैं तो अमेज़न से भी ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी मेरी शॉपिंग, और लास्ट में जो क्या बोलूँ, जो गर्ल्स होती हैं या जो लेडीज़ होती हैं, उनके इयर रिंग के बगैर शॉपिंग कंप्लीट नहीं होती है। कहीं पे भी जाते हैं इयर रिंग्स तो एक दो लेनी ही है, मतलब ऐसा होता है, कहीं कहीं भी कुछ भी ले, बस इयर रिंग के बिना नहीं होती है शॉपिंग कंप्लीट। तो ये जो मैंने पहना हुआ है ये आपको दिख ही रहा है, तो ये कश्मीर स्पेशल इयर रिंग है, जो कश्मीरी लोग इस टाइप की इयर रिंग्स पहनते हैं, तो ये मैंने लिया है। ये भी 150 के मतलब 150 प्राइस है। और दो इयर रिंग्स लिए हैं मैंने, ये वाला ओनली 50 रुपीज़ है, ये वाला बहुत अच्छा लगा मेरे को, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का है इयर रिंग, ये वाला एक इयर रिंग लिया है। और एक और कश्मीरी टाइप भी है ये वाला भी,
ये वाला भी बहुत अच्छा लगा मेरे को, सिल्वर के ऊपर इस तरह के ये, मतलब इस तरह की कुर्ती के साथ इस तरह का इयररिंग बहुत अच्छा लगेगा। तो ये भी शायद ये भी 50 रुपीस ऐसे ही पड़ा है। तो ये 3 इयररिंग्स मैंने लिए हैं। और जो कश्मीर में जो मिलता है नॉर्मली, जैसे वहाँ के ड्राई फ्रूट्स होते हैं या केसर होता है वहाँ पे, और कावा वगैरह मिलता है, तो मैं ऐसे इस तरह से एक डब्बा लाई थी कावा का, जो हाफ भी हो गया है पीते पीते। तो ये एक कावा का डब्बा है, ये शुगर फ्री है, तो इस तरह से आपको विथ शुगर भी मिल जाएगा। और ये शुगर फ्री हमने लिया था, तो इसमें सारे मसाले आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हाँ, तो वहाँ मसाले भी बहुत फेमस हैं कश्मीर के मसाले। तो मसाले सच में इतना नहीं लाई, बस मैं ये कावा का एक डब्बा लाई थी। हाँ, तो इस डब्बे का प्राइस है 350। और मसालों में मैं ऐसे अलग अलग मसाले कुछ नहीं लाई थी, मगर ऐसा एक बार जैसा मसाला मिल रहा था, मैं ये टूट गया है ऑलरेडी, हमने थोड़ा सा यूज़ किया था इसको, इस तरह से गोल एक बार जैसा मिल रहा था। तो इसमें सभी मसाले मिक्स हैं, तो उन्होंने बोला कि आप किसी में भी थोड़ा सा ये डाल दोगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो ये मसाला भी मैंने वहाँ से लिया, ये भी काफ़ी अच्छा था। तो और मैं ये लाई थी ये केसर, तो कश्मीर जाएं और केसर ना लाएं ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसके अंदर ये है 2 ग्राम का डब्बा है ये, तो 1 ग्राम केसर का प्राइस वहाँ पे 250 रुपीज़ था, तो ये 2 ग्राम का डब्बा लिया है हमने, और ये 500 का है। तो ये वाला केसर हमने लिया है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये शॉपिंग वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय।